जय माता दी दोस्तों। देखिए एनवीडिया जो है ना काफी चर्चाओं में है, काफी अच्छी रिटर्न निकाल के दी है। तो आज मैं बात करूंगा एक कंपनी पर जो कि गोइंग अहेड इंडिया का, भारत का एनवीडिया बन सकता है। इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा के मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों जो कंपनी मुझे लगता है गोइंग अहेड इंडिया का एनवीडिया बन सकती है उसका नाम है सीई इंफो सिस्टम्स, यानी कि मैप माय इंडिया, जिसको आप मैप माय इंडिया के नाम से जानते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैप माय इंडिया को देखें तो भारत का लीडिंग डिजिटल मैपिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ 46.3% के CAGR की ग्रोथ पिछले 5 साल में देखने को मिली है। इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखें तो डिजिटल मैप 2D 3D विद रियल टाइम अपडेट फॉर नेविगेशन, सेफ्टी अलर्ट्स एंड ट्रैफिक, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर, लोकेशन बेस्ड IoT सॉल्यूशंस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, APIs एंड SDK। आप में से कुछ लोग SDK नहीं समझते होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, देन फ्लीट मैनेजमेंट, वर्कफोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स एंड NKS मोबिलिटी सॉल्यूशंस। मैप में इंडिया की मार्केट पोजीशन देखें तो पायोनियर और लीडर है इंडिया के डिजिटल मैपिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में। सर्व करता है B2B, B2B, B2C इंटरप्राइज कस्टमर अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। देखिए B2B सब समझते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2C सब समझते हैं बिजनेस टू कस्टमर। B2B, B2C क्या होता है? B2B, B2C स्टैंड करता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पे दो कंपनीज कोलैबोरेट करते हैं टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर। की ऑफरिंग देखें तो कवर करता है 99% प्लस इंडिया का रोड नेटवर्क विथ 6.5 मिलियन किलोमीटर ऑफ मैप्ड रोड्स। प्रोवाइड करता है लोकेशन डाटा फॉर मिलियन ऑफ प्लेसेस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउस एड्रेसेस। रियल व्यू मैप ऑफर करता है स्ट्रीट लेवल व्यूज विद फोटोज वीडियोस। कस्टमर फोकस देखें कंपनी का तो फोकस है ऑन एंटरप्राइज क्लाइंट्स इन 3 मेन कैटेगरीज, कॉर्पोरेट, ऑटोमोटिव एंड गवर्नमेंट। रेवेन्यू देखें तो प्राइमरीली जनरेट होता है थ्रू सब्सक्रिप्शन फीस, रॉयल्टीज एंड लाइसेंस। क्लाइंटेल देखें तो कंपनी का कोलैबोरेशन है कई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इसरो, नीति आयोग। मेजर क्लाइंट देखें तो फोन पे, फ्लिपकार्ट, यूलू, HDFC बैंक, एयरटेल, हुंडई। फाइनेंशियल्स देखें फाइनेंशियल ईयर 23 के तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 920 करोड़ की। हाई कंसंट्रेशन इन ऑटोमोटिव सेक्टर है 54% ऑफ द रेवेन्यू। टॉप 54 क्लाइंट कंट्रीब्यूट करते हैं 80% ऑफ द रेवेन्यू। इन्वेस्टमेंट देखें कंपनी की तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज फॉर फ्यूचर ग्रोथ है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करा सीई इन्फो सिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया का पूरा एनालिसिस। क्या ये गोइंग अहेड इंडिया का एनवीडिया बन सकता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपकी जो सोचना है, आपका जो फीडबैक है, कमेंट में शेयर कीजिएगा। जय माता दी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न।